शिल्पी जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपसे ही मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये कि आप यहाँ जो अपने सवाल गिना रही हैं कि साहब हमारी ये मांगे हैं, हमारी ये सवाल हैं, सोनिया गांधी जी का भाषण आपने भी सुना होगा आज लोकसभा में जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने पहली बात जो आपने कही ना साहब कि बिल को आखिरकार फौरन अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही वो सीधे सीधे उन्होंने कास्ट सेंसस करवाकर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की थी। और सवाल कांग्रेस से इसीलिए है कि 2010 में राज्यसभा से जिस महिला आरक्षण बिल को आपने पास करवाया था उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो फिर आज कांग्रेस को वो पिछड़ी महिलाओं का दर्द क्यों सता रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना के लिए तो INDI हमेशा इसके हित में खड़ा है। हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, जनगणना हो, मगर क्यों इसको बार बार इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, वो भी तो सवाल है। और आप मुझे बताइए, आप भी एक महिला हैं, क्या ये उचित नहीं होना चाहिए कि 2024 में या आने वाले जो 2-3 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसी में ये महिला आरक्षण बिल का नतीजा भी हम लोगों को देखने को मिले? हम लोगों को और क्यों इंतजार करना पड़ रहा है 26 तक? तो ये तो मुझे लगता है एक तरीके की जुमलेबाजी ही है। और ओबीसी महिलाओं के लिए जो आप कोटे के भीतर कोटे की मांग कर रही है वो कांग्रेस की जुमलेबाजी है, उस पर तो आइए ना। देखिए, मैं इसमें यही सवाल आप जवाब देना चाहती हूँ कि जो हमारा व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व इसमें बहुत मायने रखता है। ओबीसी संख्या, आप जनसंख्या समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा है, अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसमें गलत बात क्यों? तो 2010 में जब आप सत्ता में थे तब नहीं देना चाहते थे, और अब जब बीजेपी सरकार ये बिल ला रही है तो आपको वो रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है? शिल्पी जी, बस यही जानना चाह रही हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो बिल आते हैं वो अब जो 2000 बिल में हम 10 में हम लोग ने स्वरूप जो लाया था, ठीक है, अगर उसमें कुछ चीज हम लोग ऐड नहीं कर पाए, और आज अगर देखिए चर्चा, अगर कोई बिल पारित होता है तो वो कोई एक पार्टी का नहीं होता है, वो सहसम्मति से पारित होता है, और अगर इसी में वाद विवाद के लिए उसे सदन में लाया जाता है, सदन में अगर हमारी कुछ प्रक्रिया है तो उनको लेने में परामर्श लेने में क्या गलती है? बिल्कुल, परामर्श लेने में क्या गलती है? सलाह तभी आप लोग मान लेते हैं, तब तो आप ही के तमाम साथी थे ना जो इस ओर आपका ध्यान खींच रहे थे, तब आपने सलाह नहीं मानी, तब आपने सलाह नहीं मानी। लेकिन आज जब बीजेपी इस ऐतिहासिक बिल को लेकर कदम बढ़ा रही है तो आप लोग बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहे हैं, कोटे के भीतर कोटे की मांग करके। चलिए, आप जिस सलाह मशवरे की बात कर रही हैं और कह रही हैं सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अगर कहीं कोई चूक रह गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।